अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियोस बना के भी दूंगा डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का जो काम प्रैक्टिकली कैसे होता है, तो उस सिलसिले में आज मैं ये पहली वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर बेसिकली मैं फ़ोल्डर का जो स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से सॉफ्ट कॉपी जो है वो सेव की जाती है सिस्टम के अंदर, तो उसके बारे में डिस्कस करूँगा। ये 3-4 पार्ट के अंदर ये वीडियो होगी क्योंकि अगर एक ही वीडियो बनाऊँगा तो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं 3-4 पार्ट के अंदर इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का फोल्डर ओपन करते हैं तो आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहले ये मेन कॉन्ट्रैक्टर का जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है ये उसका फोल्डर है, जो कंस्ट्रक्टर है, जो कंस्ट्रक्शन का जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उसका ये फोल्डर होता है। तो सबसे पहले नंबर पे स्पेसिफिकेशन एंड BOQ, फिर ड्राइंग, फिर FFP एंड रेंडर्स क्या होते हैं, फर्नीचर, फिक्सचर एंड इक्विपमेंट और रेंडर्स जो होते हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों के बारे में फॉर एग्जांपल ये स्पेसिफिकेशन और BOQ, इनकी मैं अलग से एक डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूँ। स्पेसिफिकेशन की भी वीडियो है, BOQ की भी है, ड्राइंग की भी है, FF&E, रेंडर्स, हर चीज़ की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है और मेरे चैनल के ऊपर वो वीडियो मौजूद है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लिहाजा यहाँ पे मैं जस्ट ओवरव्यू दूंगा, अगर डिटेल के अंदर जाऊँगा तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए आप अगर इनकी डेफिनेशन देखना चाहते हैं कि स्पेसिफिकेशन क्या है, BOQ क्या है, कोरेस्पॉन्डेंस क्या है, शेड्यूल्स क्या है, तो ये सब की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। तो उसके बाद जो चौथे नंबर पे है कोरेस्पॉन्डेंस है, पाँचवें नंबर पे स्केड्यूल्स हैं, छठे नंबर पे कमर्शियल डिपार्टमेंट का है, सातवें नंबर पे फाइलिंग सिस्टम का है, आठवें नंबर पे जनरल फॉर्मेट जो होते हैं उनका है और नौवें नंबर पे मिसलिनियस का जो फोल्डर है। अच्छा, सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं, स्पेसिफिकेशन और BOQ। तो इसको ओपन करते हैं तो इसके दो पार्ट हैं। पहला स्पेसिफिकेशन का ये शॉर्ट टर्म में लिया, स्पेक लिया हुआ है खाली, तो स्पेसिफिकेशन टोटल ये वर्ड है, कंप्लीट वर्ड। तो पहला जो फोल्डर है स्पेसिफिकेशन का है, दूसरा BOQ का है। इसके अंदर हम जितनी भी स्पेसिफिकेशन आएगी वो उसको सेव करेंगे। फ़िलहाल ये एम्प्टी है, मैं मॉक डेटा जो है वो बनाऊंगा और इंशाल्लाह जैसे आने वाले दिनों में मैं मज़ीद वीडियो अपलोड करूंगा तो ये आपको दिखाऊंगा स्पेसिफिकेशन होती क्या है, किस तरह से उसका फॉर्मेट होता है तो पूरा, और उसको सेव कैसे किया जाता है वो भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे BOQ की है, इसके अंदर BOQ सेव किया जाता है। ये भी ऐसे मैं मॉक डेटा एक बना के इंशाल्लाह आपको ये दिखाऊँगा। तो ये हो गया स्पेसिफिकेशन और BOQ। दूसरे नंबर पे है ड्राइंग का फोल्डर। अब ड्राइंग दो किस्म की होती हैं, एक तो क्लाइंट, पहले नंबर पे क्लाइंट या कंसल्टेंट की तरफ से जो ड्राइंग आती हैं वो होती हैं, और दूसरे नंबर पे कॉन्ट्रैक्टर की अपनी ड्राइंग होती हैं। यहाँ पे मैंने PRL पायस रिंग लर्निंग रखा हुआ है, लेकिन जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा आप जिसके लिए भी काम करेंगे आप यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं कि क्लाइंट एंड कंस्ट्रक्शन की कंसल्टेंट की कौन सी ड्राइंग होती हैं। तो इनकी दो तरह की ड्राइंग होती हैं, एक टेंडर ड्राइंग और दूसरी कंस्ट्रक्शन ड्राइंग। अब टेंडर ड्राइंग क्या होती हैं, जो टेंडरिंग के वक्त जब प्रोजेक्ट की मकसद टेंडरिंग हो रही होती है तो उस वक्त जो ड्राइंग कंसल्टेंट या डिज़ाइनर बनाता है, क्लाइंट से अप्रूव कराता है, तो वो ड्राइंग जो होती हैं वो टेंडर ड्राइंग होती हैं। और दूसरी कंस्ट्रक्शन ड्राइंग वो होती हैं जो कॉन्ट्रैक्टर को दी जाती हैं, इसके अंदर मज़ीद डिटेल जो है वो शामिल कर दी जाती है ताकि कॉन्ट्रैक्टर के लिए कोई परेशानी ना हो। तो ये टेंडर ड्राइंग और कंस्ट्रक्शन ड्राइंग दो तरह की ड्राइंग क्लाइंट और या कंसल्टेंट की तरफ से आती हैं। अगर क्लाइंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट के अंदर तो वो देगा, अगर कंसल्टेंट रखा हुआ है क्लाइंट ने तो वो कंसल्टेंट आपको ये ड्राइंग प्रोवाइड करेगा। दूसरे नंबर पे जो पायस रिंग लर्निंग की ड्राइंग है या जो कॉन्ट्रैक्टर की ड्राइंग है वो तकरीबन 6 किस्म की होती हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड ड्राइंग, ये वही ड्राइंग होती हैं जो हमें कंसल्टेंट या डिज़ाइनर की तरफ से मिलती हैं। साइट सर्वे, जितने भी साइट सर्वे होंगे, जो सर्वे टीम है या साइट इंजीनियर है जो सर्वे करेंगे या सर्वेयर होते हैं, जो जितने भी सर्वे करेंगे वो हम इसके अंदर सेव करेंगे। उसके अलावा शॉप ड्राइंग, शॉप ड्राइंग ये वो ड्राइंग होती हैं जो हम डिटेल ड्राइंग बनाते हैं साइट के ऊपर काम करने के लिए। वीडियो इनकी अलग से बनी हुई है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। प्रोडक्शन ड्राइंग, ये वो ड्राइंग होती हैं कि जो हम शॉप ड्राइंग की तरह बना के हमारी जो प्रोडक्शन टीम होती है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई फर्नीचर बनवाना है, कोई और इस तरह का काम करवाना है, तो फैक्ट्री को जो हम ड्राइंग भेजेंगे वो प्रोडक्शन ड्राइंग होती हैं। एज बिल्ड ड्राइंग, ये वो ड्राइंग होती है जब बिल्डिंग बन जाती है तो एज ए होल इनकी एक ड्राइंग बना दी जाती है। ये इसलिए यूँ बना दी जाती है ताकि बाद में अगर कोई मेंटेनेंस करनी है या इस तरह का काम किसी और कंपनी ने करना है तो एज बिल्ड दे के क्योंकि एज बिल्ड के अंदर वो सारी डिटेल बता दी जाती है कि यहाँ पे ये चीज़ लगी हुई है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे स्विच है, तो वो फिर उनको ढूंढने में आसानी रहती है। तो ये एज बिल्ड ड्राइंग का मतलब ये है। मिसलिनियस इसके अंदर किसी भी और तरह की जो ड्राइंग होंगी तो वो इसके अंदर रख दी जाएंगी। तो ये दोनों फोल्डर कंप्लीट हो गए, तो ड्राइंग का जो फोल्डर है वो भी कंप्लीट हो गया। तीसरे नंबर पे आता है FF&E। FF&E का मतलब फर्नीचर, फिक्सचर एंड इक्विपमेंट, और RE&D का मतलब रेंडर। सबसे पहले फर्नीचर का आपको पता ही है, फर्नीचर फिक्सचर जो कि साइड एक तो लूज फर्नीचर होता है उसको फर्नीचर यहाँ पे कहते हैं, और फिक्सचर जो फॉर एग्जाम्पल कपबोर्ड या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फिक्स कर दी जाती हैं दीवारों के साथ या रूम के अंदर, या लकड़ी का और काम है तो उसको ये फिक्सचर कहते हैं। और इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट ला के हम रखेंगे फॉर एग्जांपल जो अप्लाइंसेस हैं या एसीज हैं या चिल्डर्स हैं या कोई भी चीज़ रखेंगे तो ये इक्विपमेंट हो गए। और रेंडर्स क्या होते हैं, ये 3D डिज़ाइन होते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बना के देता है और पूरी आपको रूम पूरा बना के वो दिखा देगा 3D के अंदर एज इट इज़, जैसे वो एंड पे नज़र आएगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 फोल्डर ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद यहीं पे मैं ये वीडियो ख़त्म करूंगा क्योंकि नेक्स्ट जो कोरेस्पॉन्डेंस का फोल्डर है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। मेन जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम है वो वहाँ से शुरू होता है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो